वेलकम अगेन। बायोमॉलिक्यूल फोर कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं आज हम। अभी तक विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स और प्रोटीन अमीनो एसिड्स की बातें हो चुकी हैं। नाउ कमिंग टू दी कार्बोहाइड्रेट पार्ट, या यमी यमी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे केन शुगर, ग्लूकोज, टावर, सेल्यूलोज। मोस्ट ऑफ देम हैव अ जनरल फार्मूला CXH2OY and therefore they were considered as hydrate of carbon. दरअसल जो पहली डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट की वो यहीं से आई थी कि वो कंपाउंड्स जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन होंगे उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, यानी कि जिनका फॉर्मूला CXH2OY होगा वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 होता है जो एग्जैक्टली फॉर्मूला फिट होता है C6H2O6। इसी तरह से सुक्रोज भी इसी फॉर्मूला में फिट होता है, लेकिन ये पुरानी डेफिनेशन है। प्रॉब्लम क्या है इस पुराने डेफिनेशन में कि कार्बन के हाइड्रेट्स ही क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH या फॉर्मिक एसिड है, इन दोनों को ही हम हाइड्रेट ऑफ कार्बन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है C6H12O5, दैट इज रैमनोज। ये एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये पुरानी वाली डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा, इसलिए हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ जाना होगा। इसे तीन स्टेप्स में याद कीजिए। पहली चीज बोलिएगा ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी एंड तीसरा एल्डिहाइड और कीटोन। दोबारा ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, ये तीन नेसेसरी पॉइंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन की। या कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव दीज यूनिट्स, दीज यूनिट्स मींस ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। They are also called saccharides, क्योंकि saccharum का मतलब होता है sugar, and बहुत सारे जो इनके simpler members होते हैं वो होते हैं मीठे। मीठे में देखिए glucose, sucrose, fructose, maltose, lactose ये सब हो सकते हैं, और इनके fruits especially या table sugar या grains या milk से ये हमें मिलते हैं, और इनके relative sweetness भी अलग अलग है। जो sucrose आप 100 पे देख रहे हैं वो रिलेटिव सुक्रोज है, ये चीनी है जो टेबल शुगर होती है, और जो फ्रुक्टोज होता है वो उससे भी ज्यादा मीठा होता है। देखिए इट इज 173, अगर उसको 100 यूनिट लेते हैं तो उसका मीठा इतना। अब कार्बोहाइड्रेट जो हम पढ़ रहे हैं कौन से, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो उसमें इंक्लूड है, एंड जिनमें जिनमें ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और एल्डिहाइड कीटोन होंगे और पॉलीहाइड्रोक्सी, इनको क्लासिफाई कर सकते हैं हम सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता उन्हें हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। एंड अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन। कौन कौन से मोनोसैकेराइड आप जानते हैं? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। राइबोज याद है पिछले वीडियो में हमने देखा था, राइबोज जो डीएनए और आरएनए का हिस्सा बना था, पेंटोज शुगर। अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं इनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, इस तरह से। और जितने भी नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड्स हैं वो सब डी सीरीज के होते हैं। ये डी सीरीज क्या होती है इसके बारे में मैं बात करूंगा। पहले एक बार फिर से देख लेते हैं मोनोसैकेराइड्स को हम किस बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं। तीन कार्बन है, चार है, पांच है, छह या सात है, और एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है। इस बेस पर इनके नाम हो जाते हैं एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज या एल्डो पेंटोज या कीटो हेक्सोज, इस तरह से इनको डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें ऑलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 और 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड ऑलिगोसैकेराइड, जिसमें 2 से 10 यूनिट्स जुड़ी हुई हो उन्हें हम फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। ऑलिगोसैकेराइड्स को ही हम हेटरोपॉलीसैकेराइड्स भी कह देते हैं, राइट। जो डाइसैकेराइड्स हैं उनके एग्जांपल्स देखिएगा, सबसे सिंपलेस है शुगर, टेबल शुगर जो किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हमें मिल जाता है, राइट। अब जिस लिंकेज से ये जुड़े रहते हैं कौन, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, उस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। याद कीजिएगा एमिनो एसिड्स में उसी लिंकेज को हमने पेप्टाइड बॉन्ड कहा था, जो प्रोटीन्स में मिला था। न्यूक्लिक एसिड में उसे हमने फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहा था, और यहाँ पर ये जो जॉइनिंग बॉडी है, जो लिंकेज है, उसे बोल रहे हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। अब बात करते हैं ट्राइसैकेराइड्स कौन से होंगे भाई। नॉर्मल सी बात है, जिनमें तीन सैकेराइड्स या तीनों मोनोसैकेराइड्स हों
तो रेफिनोज एक ऐसा एग्जांपल है जो ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। ट्राइसेक्राइड रेफिनोज याद रह जाएगा आप सभी को, ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से। नेक्स्ट इसी में कैटेगरी आती है पॉलीसेक्राइड्स। ऑलिगोसेक्राइड में 2 to 10 था, पॉली में बहुत सारे नंबर जुड़े हुए होंगे जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम, ये सब पॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल है। और हाँ, पॉलीसेक्राइड्स टेस्ट में अच्छे नहीं होते क्योंकि वो मीठे नहीं होते, इसलिए उन्हें हम नॉन शुगर्स भी कहते हैं, राइट? अच्छा, जो हमारे पास शुगर्स हैं वो भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किससे रिएक्ट कर रहे हैं, फैलिंग सॉल्यूशन से या टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर रहे हैं। देखिएगा, फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और अगर रिड्यूसिंग शुगर जैसे मान लीजिए शुगर से रिएक्ट करा रहे हैं जिसमें वो ब्लू से किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद भी करना है। इसी तरह से टॉलरेंस रिएजेंट कलरलेस होता है, राइट साइड में दिख रहा है स्क्रीन के, और फिर अगर रिड्यूसिंग शुगर से रिएक्ट करता है तो देखिए सिल्वर मिरर टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ अपीयर हो जाती है। तो ऑल मोनोसेक्राइड्स सभी के सभी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, लेकिन सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट जरूरी नहीं है कि रिड्यूसिंग शुगर हो। डाइसेक्राइड में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है सुक्रोज। सुक्रोज एक्सेप्शन है, इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब क्यों नॉन रिड्यूसिंग है और क्यों रिड्यूसिंग है, इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़कर। अगर कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज बार बार नाम आ रहे हैं, और सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को देख के डर लग रहा होगा कि ये क्या बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर्स में एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इनको याद करने की ट्रिक सिखा दूंगा, बट बिफोर दैट स्टार्ट करते हैं एक सबसे पहला जो हमारे सिलेबस में दे रखा है कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड, दैट इज ग्लूकोज, विच अकर्स फ्रीली इन नेचर बहुत सारी फॉर्म्स में देख पा रहे हैं आप। और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ये कि हमें ऐसा लगता है बहुत सारी जैसे मान लीजिए पिज्जा है तो उसमें भी 33 ग्लाइकोसिडिक इंडेक्स है, यानी कि उसमें भी उतना मीठा है, ग्लूकोज है, जो कहीं ना कहीं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको इस चीज को ध्यान रखना है। जिनमें भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 70 से ज्यादा उन्हें नहीं खाना चाहिए, और लो ग्लाइसेमिक वाले इज ओके सिर्फ शुगर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, राइट? सबसे पहले ग्लूकोज की प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। 2 तरह से बनाया जा सकता है, सुक्रोज यानी केन शुगर से, अगर शुगर को हम डायल्यूट HCl या डायल्यूट H2SO4 से अल्कोहलिक सॉल्यूशन में रिएक्ट कराते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बराबर बराबर अमाउंट मिल सकता है। इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिस्टेबिलिटी या मेल्टिंग पॉइंट, लेसर और हायर सॉल्युबिलिटी। तो फ्रक्टोज जो होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। इसी तरह से स्टार्च जो होता है उससे भी लार्ज स्केल पर बनाया जा सकता है, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद H2SO4 एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अंडर 2-3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं इसके, वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है, एल्डोहेक्सोस का मतलब उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है और वो डेक्स्ट्रोज है, इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्स्ट्रोज क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इट इज मोनोमर ऑफ मेनी लार्जर कार्बोहाइड्रेट स्टार सेलुलोज, इन सब का भी ये मोनोमर है, एंड इट इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। इट वॉज असाइन द स्ट्रक्चर, कैसे आया इसका स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, ये अब स्टडी करते हैं अपन। एक्सपेरिमेंटली पता चला कि इसमें 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं, दैट इज C6H12O6। ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स नॉर्मल हेक्सेन। रेड प्योर HI के साथ जब इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों, वी गेट नॉर्मल हेक्सेन मिल जाता है। इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग है, एक स्ट्रेट चेन में है, कोई इस तरह का लंबा चेन बन रहा है, ये इसका कंफर्मेशन हुआ स्ट्रेट चेन का। कैसे पता चला, व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद रेड PHI इट गेट्स रिड्यूस्ड टू नॉर्मल हेक्सेन, क्योंकि इसमें कोई शिफ्टिंग तो नहीं हुई होगी, ये सिर्फ रिड्यूस कर रहा होगा रेड PHI, अल्केन मिल रहा है। अगर ग्लूकोज के रिएक्शन हम करवा रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन से तो हमें मिलता है ऑक्सिम, ये एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ याद कर लेते हैं हाइड्रोक्सिलमाइन से रिएक्शन करने पर ऑक्साइम बनता है और हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करने पर साइनोहाइड्रिन मिलता है। ये इस बात का सबूत है कि रिएक्शन इस यानी कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कन्फर्म। ग्लूकोज को अगर हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं तो वो आसानी से ऑक्सीडाइज होकर ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ब्रोमीन वाटर से एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। देखिएगा, जो फर्स्ट रिएक्शन पड़ी थी रेड PHI वाली, वो ये शो कर रही थी कि 5-6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है,
HCN और हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन शो कर रही है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, और ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन ये कंफर्म कर रहा है कि वो एल्डिहाइड ग्रुप है। अब इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से अगर रिएक्शन कराते हैं या एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो पेंटा एसिटेट ग्लूकोज मिलता है, जो कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में 5 OH यूनिट है। कार्बोहाइड की डेफिनेशन यही थी, एल्डिहाइड कीटोन पॉलीहाइड्रोक्सी और ऑप्टिकली एक्टिव, तो यानी कि एल्डिहाइड है और 5 OH ग्रुप है। कैसे पता चला? क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करने पर पेंटा एसिटेट मिल रहा है। एंड नेक्स्ट रिएक्शन, अगर नाइट्रिक एसिड से इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हमें मिल रहा है सैक्रिक एसिड, और एक अलग से सेपरेट रिएक्शन से ग्लूकोनिक एसिड की भी जब नाइट्रिक रिएक्शन से रिएक्शन करवाई गई तो मिला सैक्रिक एसिड। ये कंफर्म कर रहा है कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहल CH2OH ग्रुप भी है। इस तरह से जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बन के आता है वो हमारे पास आता है फर्स्ट। देखिएगा सभी ध्यान से, CHCHOOH और CH2OH जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्लूकोज का है। अगर इसकी हमने रिएक्शन करवाई थी ब्रोमीन वाटर से तो हमें मिला था ग्लूकोनिक एसिड, और अगर HNO3 से कराई तो हमें मिला है सैक्रिक एसिड। तो इज इट ओके, फर्स्ट इज ग्लूकोज, सेकंड इज ग्लूकोनिक एंड थर्ड वन इज सैक्रिक एसिड। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुई रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन और आता है, आप लोगों ने देखा होगा ग्लूकॉन डी, जान में जान डाल दे पीते ही, वो कैपिटल डी क्या है? वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ग्लिसरल एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में बातचीत करते हैं हम, दैट इज डी ग्लिसरल एल्डिहाइड। तो जो ग्लिसरल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप लेफ्ट में देख रहे हैं वो प्लस वाला है या कैपिटल डी है, और जो इधर वाला दिख रहा है वो कैपिटल एल है। कैपिटल डी और कैपिटल एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ग्लूकोज का अगर अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो नीचे की तरफ से स्टार्ट करते हुए CH2OH वाली साइड से स्टार्ट करते हुए इसकी रिजेंबलेंस डी ग्लूकोज डी ग्लिसरलडिहाइड से है, इसलिए इसके आगे डी कॉन्फिगरेशन असाइन करते हैं। ग्लूकोन डी इसलिए कह रहे हैं, डी कैपिटल डी इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज इट इज रिजेंबलिंग फ्रॉम द बॉटम साइड विद द डी ग्लिसरलडिहाइड नॉट विद एल ग्लिसरलडिहाइड। अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है एक्सपेरिमेंट से, इसमें भी कुछ समस्या रह जाती है। एंड वो समस्या क्या क्या रहती है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो हम समझा पाए, लेकिन ये नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रहे थे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से। कौन कौन सी? कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन फिर भी शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है, एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आ गई है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट नहीं दे रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा है। नेक्स्ट इज पेंटा एसिटेट ग्लूकोज जो बना रहे थे हम एसिटिल क्लोराइड से एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन से, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होना चाहिए तो उसको भी हाइड्रोक्सिल अमाइन वाली रिएक्शन शो करनी चाहिए, लेकिन पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप इसमें फ्री नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, अल्फा और बीटा। ये क्या होता है? अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन, जबकि बीटा फॉर्म जो होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 423 उससे ज्यादा है इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371। तो 2 अलग अलग फॉर्म क्यों मिल रही है का कारण सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही समझाया जा सकता है। तो जो मिडिल में आपको दिख रहा है ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, 5th कार्बन का OH, 1st कार्बन पे प्रेजेंट एल्डिहाइड के साथ जब कंबाइनिंग टेंडेंसी दिखा रहा है, देखिए जो राउंड से मैंने दिखाया है आपको, इससे जब जुड़ जाएगा तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनेगा। या तो OH जो बन रहा है जुड़ रहा है वो राइट साइड में आएगा या लेफ्ट साइड में आएगा। तो जब OH को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं राइट साइड पे तो इसे हम अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज जिसका बॉइलिंग पॉइंट जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 और बीटा डी ग्लूकोज जिसका 423। तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 2 अलग अलग प्रोडक्ट क्यों मिल रहे हैं कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट। ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर फर्स्ट कार्बन से चेंज होते हुए मिल रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? एनोमर्स।
अभी इसी में एक और कहानी बनती है, वो है म्यूटा रोटेशन। ऑल्दो ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अल्फा ग्लूकोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी 111.5 डिग्री की होती है, ऑप्टिकल एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, और जो बीटा ग्लूकोज होता है उसकी 19.5 होती है। होता क्या है, एक्सपेरिमेंटली हमें ऐसा पता चला है, ग्लूकोज जहां भी जिस भी फॉर्मेट में आ रहा है उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी 52.5 डिग्री ही आ रही है, एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन 52.5 आ रहा है। यानी कि हम इमेजिन कर रहे थे कि या तो 112 हो या 19 हो, लेकिन ये जो अल्फा और बीटा हैं ये एक दूसरे में लगातार कन्वर्ट होते रहते हैं, दे आर कन्वर्टिंग इनटू ईच अदर ऑल द टाइम, और एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना लेते हैं ये, एंड दैट इज टर्म्ड एज म्यूटा रोटेशन। यानी कि अल्फा और बीटा का एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाना और लगभग 33, 34 और 66 के रेशो में ये एग्जिस्ट करते हैं, जिस कारण से 52.5 डिग्री इनका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन आता है। एक और टर्म इसमें सीख रहे हैं, वो है एपिमर। देखिए, अगर फर्स्ट कार्बन पे चेंज आ रहा था OH और H के का रिप्रेजेंटेशन का, तो उसे हमने एनोमर कहा था, लेकिन मोनोसैकेराइड जिनमें कॉन्फिगरेशन एट अ कार्बन अदर देन एनोमरिक कार्बन हो उसे एपिमर कहते हैं। जैसे ग्लूकोज का एक एपिमर है गैलेक्टोज, जिसमें OH अलग डिफरेंट पे आ रहा है फोर्थ पोजीशन से, ये कहलाता है C4 एपिमर, एंड C2 पे अगर चेंज आ जाए तो इट इज नोन एज C2 एपिमर, और एग्जांपल है मैनोज। तो एक ही ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से हमें तीन स्ट्रक्चर और याद हो गए, हमने गैलेक्टोज भी याद कर लिया और मैनोज भी याद कर लिया। एक और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अदर देन दो सिक्स जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, वो यह है कि अगर हमने फिनाइल हाइड्रोजन से ग्लूकोज को रिएक्ट करवाया तो ये एक प्रोडक्ट मिलता है जिसमें दो फिनाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड से। ये फिनाइल हाइड्रोजन सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करता है, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में उसके बाद इसको समझना थोड़ा आसान होगा इन रिएक्शंस को, लेकिन ओसाजोन बनता है जिसमें दो फिनाइल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, जिसका मैकेनिज्म भी हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा है। होना कुछ ऐसा चाहिए था कि एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है तो केवल एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि दो NH-PH ग्रुप जुड़ते हैं जिसे हम ओसाजोन कहते हैं। इसका मैकेनिज्म आई रिपीट मैंने दिया जरूर है आपको, बट ये बोर्ड में नहीं आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको इसे देता याद रखना है कि एल्डिहाइड यानी ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम फिनाइल हाइड्रोजन से कराते हैं तो ओसाजोन बनता है, और ओसाजोन के अंदर दो NH-PH ग्रुप इंक्लूड है, राइट। कंटिन्यूसली जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल कितने इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, याद रखना है तीन मोल इन्वॉल्व होते हैं। फिनाइल हाइड्रोजन के कितने रिएक्ट करते हैं, तीन, लेकिन दिखने पे फर्स्ट और सेकंड पर फिनाइल हाइड्रोजन हमें जुड़ा हुआ मिलता है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो फर्स्ट स्लाइड से हम देख रहे थे स्ट्रक्चर कुछ साइक्लिक वाले दिख रहे थे, वो कैसे बनेंगे। तो हॉवर्थ ने थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को बताने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक पायरिन का एग्जाम्पल लिया। पायरिन एक सिक्स मेंबर रिंग होती है जिसमें पांच कार्बन और एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, उसी रिंग को ग्लूकोज की फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाता है जिसे हॉवर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं। पायरिन से बना हुआ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हम हॉवर्थ स्ट्रक्चर कह रहे हैं, और इसीलिए इनको पायरिनोज भी बोल देते हैं, ग्लूकोपायरिनोज। देखिए कैसे बनेगा ये, इससे ये अपन बातचीत कर रहे हैं, इसकी जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है उसको ध्यान से देखिए आप, फिफ्थ पोजीशन से जुड़ेगा, और जो कमिंग स्लाइड में आप देख रहे हैं उसमें कन्वर्जन दिखा रखा है, यहां से इस तरह से ये इसमें कन्वर्ट होकर आता है, और इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा रूल भी सिखाता हूं। एंड द रूल इज, जो कलयुग का मौसम है, कलयुग का जो समय चल रहा है, वो कलयुग के अंदर स्थिति ऐसी है कि जो सीधा है वो नीचे है। क्या याद रखना है, जो सीधा है वो नीचे है, और जो राइट पे आ रहा है, जो सीधा है वो नीचे है, और जो उल्टे पे आ रहा है, जो उल्टा है यानी लेफ्ट है, वो ऊपर जाएगा। तो इज इट ओके, सीधा और उल्टा से हम ये कहानी सीख रहे हैं। सीधा और उल्टा की कहानी से हमें समझ में आ रहा है कि हावर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा, अल्फा वाले में स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा जिसमें जो, फिर से बोल रहा हूं, जो राइट में है वो नीचे है और जो लेफ्ट में है वो ऊपर है। कलयुग में जो उल्टा है वो ऊपर है, जो सीधा है वो नीचे है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एंड दैट इज अबाउट
नेक्स्ट दैट इज फ्रुक्टोज। जो फ्रुक्टोज है वो फ्रूट्स में प्रेजेंट शुगर है, बहुत मीठा होता है, बहुत ही ज्यादा मीठा होता है, सबसे मीठों में से एक है। इसको भी बनाने का तरीका है सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से, हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के साथ मिलता था। एक नेचुरल मोनोसैक्राइड है जो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में, हनी, वेजिटेबल, इन सभी मिलता है, और ये स्वीटनर की तरह भी काम में आता है। इसको कीटो हेक्सोज भी बोलते हैं। अब जैसे हमने स्ट्रक्चर ग्लूकोज का याद किया था, वैसे ही हमें फ्रुक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर याद करना है सबसे पहले, और कंपेयर कीजिएगा इसको ग्लूकोज से ही। फिर से ग्लूकोज में जिस तरह से फर्स्ट पे एल्डिहाइड आया था, यहाँ पे सेकंड पे कीटोन ग्रुप है, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा है। देखिएगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए और फ्रुक्टोज का देखिए, याद कीजिए साथ साथ। ग्लूकोज ने आपको मैनोज और गैलेक्टोज दोनों याद करवाए, यहाँ पर सिर्फ सेकंड में आप अंतर देख पा रहे होंगे। सेकंड वाले कार्बन पे कीटोन ग्रुप आया है और फर्स्ट वाला फिर एल्कोहल ही हो गया है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं दे रखी है। इसका भी स्ट्रक्चर हम फ्यूरान से समझाते हैं, क्योंकि फ्यूरान में 5 मेंबर ड्रिंक बनती है, इसीलिए इसको फ्यूरानोज भी बोल देते हैं, फ्रुक्टोफ्यूरानोज भी बोल देते हैं। देखिए कैसे बनेगा ये स्ट्रक्चर, आपके सामने अल्फा फ्रुक्टोफ्यूरानोज और बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखा है। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर से देखिए फिर वही फॉर्मूला लगा रहे जो हमने ग्लूकोज में लगाया था। ओ को इमेजिन कीजिए, फर्स्ट कार्बन पे देखिए ध्यान से, पहले मैं राइट वाले की बात कर रहा हूं, बीटा वाले की। फर्स्ट वाले पे ध्यान से देखिएगा, CH2OH लेफ्ट में है कि राइट में, इट इज ऑन द राइट, और जो सीधा है वो कहां जाएगा, नीचे। राइट वाले दोनों स्ट्रक्चर्स देखिए। अब थर्ड कार्बन पे देखिए, एच राइट साइड में है इसलिए वो नीचे आएगा। फोर्थ में देखिए, ओ एच राइट साइड में इसलिए वो नीचे आएगा। इस तरह से राइट वाले स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अब लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर को देखिए, अल्फा फ्रुक्टोज को देखिए। अल्फा वाले में आप फिर से ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट कार्बन जो दिख रहा है आपको, सेकंड कार्बन जो दिख रहा है, CH2OH कहां पे है उसमें, CH2OH ऑन द लेफ्ट। तब लेफ्ट वाला कहां आएगा, ऊपर, और OH कहां पर है, राइट में, वो कहां आएगा, नीचे। देखिए बहुत सिंपल सा रूल से दोनों स्ट्रक्चर याद हो सकते हैं। थर्ड कार्बन पे देखिए फिर से, एच राइट में है तो नीचे आएगा, फोर्थ में OH राइट में है तो नीचे आएगा, CH2OH हमेशा ऊपर और एच हमेशा नीचे ही आएगा। इस तरह से हम ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर याद कर पा रहे हैं। अब हम बातें करेंगे डाइसेक्राइड्स की। डाइसेक्राइड्स में अब बातचीत करते हैं कौन कौन से डाइसेक्राइड्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा सुक्रोज, और सुक्रोज चीनी से मिलने वाला प्रोडक्ट है, अपने को पता है, और इसमें एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रक्टोज, दो मोनोसेक्राइड्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं, फ्रॉम C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज से जुड़े रहते हैं, जिस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे जो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन जो एल्डिहाइड बनता था वो फ्री नहीं है, और ग्लूकोज फ्रक्टोज में वैसे ही ऑलरेडी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, तो क्योंकि C1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसलिए ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इन्वर्जन ऑफ शुगर आप सभी को पता होगा, सुक्रोज में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। सुक्रोज डेक्सोरोटेटरी होता है, इसको 66.5 डिग्री होता है इसका, जबकि ग्लूकोज 52.5 डिग्री, हम बातचीत कर चुके हैं, और फ्रुक्टोज में -92 होता है। तो जो सुक्रोज के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से मिलने वाला सॉल्यूशन है वो ओवरऑल लेवर रोटेटरी हो जाएगा। 52.5 प्लस में है, -92 है, तो ओवरऑल ये लगभग 39.5 माइनस में एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन दिखाएगा, यानी कि कॉन्फिगरेशन का इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन मतलब कोई चीज उलट गई है, जो चीज प्लस थी वो ओवरऑल माइनस हो गई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर, और इसी प्रोसेस के कारण इसे इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। किसको? सुक्रोज को। अब सेकंड की बात कर रहे हैं हम, वो दैट इज सेकंड डाइसेक्राइड की बात कर रहे हैं, वो है माल्टोज। माल्टोज इज कंपोज ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच C1 ऑफ वन ग्लूकोज इज लिंक टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। इससे फायदा क्या हुआ, आप देख रहे होंगे अल्फा डी ग्लूकोज। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर का फर्स्ट कार्बन इंक्लूड है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, लेकिन जो दूसरा स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज में, उसमें फर्स्ट कार्बन फ्री है जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता होगा, इसीलिए ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे पहचानेंगे रिड्यूसिंग शुगर को? स्ट्रक्चर देख के। C1 जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप था वो फ्री होना चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। वैसे भी हमारे सिलेबस में जितने भी दे रखे हैं उनमें से सिर्फ सुक्रोज ही ऐसा है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अदरवाइज माल्टोज भी रिड्यूसिंग है। और जो नेक्स्ट डाइसेक्राइड बात कर रहे हैं, लैक्टोज।
वो भी रिड्यूसिंग शुगर है। इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये मेनली मिल्क में मिलता है। इसमें बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज होता है, जहां पर लिंकेज फिर से C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज में लिंकेज होती है। अगेन जो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन वो फ्री है, इसलिए वो एक रिड्यूसिंग शुगर होगा। ये मिल्क शुगर, लैक्टोज की बात की हमने। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड जिसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़े हुए होंगे आपस में, जो कि हमारे नेचर में बहुत सारी जगह पर देखने को मिलता है। ये हमारा फूड स्टोरेज है, स्ट्रक्चर मटेरियल है। उसमें फर्स्ट बात करते हैं स्टार्च। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड मेजर रिजर्व फूड इन प्लांट्स। इसका टेस्ट कैसे करते हैं? इट कैन टर्न ब्लू विद आयोडीन। इट इज मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। स्टार्च जो है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, याद कीजिएगा, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। याद करने की ट्रिक है, अमाइलोज के कम स्पेलिंग लेटर्स आ रहे हैं, अमाइलोपेक्टिन में ज्यादा आ रहे हैं। 20% अमाइलोज होता है जो अनब्रांच वाटर सॉल्युबल पॉलीमर होता है, और अमाइलोपेक्टिन 80% है ब्रांच वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर है। कोई स्टार्च अगर कभी आपने पानी में घोल के देखा होगा, थोड़ा सा पोर्शन खुल जाता है, बाकी हिस्सा उसको ट्रांसल्यूसेंट सा बना देता है, ओपेक बना देता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि थोड़ा सा परसेंट अमाइलोज था वो घुल गया, और अमाइलोपेक्टिन नहीं घुलता क्योंकि ब्रांच स्ट्रक्चर है, वो पानी में नहीं घुल पाता है। 20-80 ये रेशो याद रखना है, अमाइलोज 20% और अमाइलोपेक्टिन 80%। सोर्स है पोटैटो, वीट, राइस, मेज़ एक्सेट्रा। स्टार्च जो है वो मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग है। बहुत सारा हिस्सा इसी का खाते हैं। स्टार्च किस किस में होता है? सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स और बहुत सारी वेजिटेबल्स में भी होता है, और जिसमें अल्फा ग्लूकोज के दो कंपोनेंट्स होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जैसा मैं बोल रहा हूँ बार बार, 15-20% पार्ट होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है और स्ट्रेट चेन में जुड़े रहते हैं, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से स्ट्रेट चेन में जुड़े रहते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल होता है। 80-85% ऑफ स्टार्च होता है जो कैसा होता है? ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, इन विच C1C4 लिंकेज स्ट्रेट चेन बनी होती है सेम अमाइलोज जैसी, लेकिन ब्रांचिंग हो जाती है फ्रॉम C1 to C6। याद रखना है फ्रॉम C1 to C6। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हमें उन पर ध्यान देना होगा, इन लिंकेज को स्पेशली याद करना होगा। सेकेंड जो पॉलीसेक्राइड वो है सेल्यूलोज, जो कि एक्सक्लूसिवली प्लांट्स में होता है। हमारे बॉडी में सेल्यूलोज नहीं होता है। ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम है, जो कि सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल में होता है। ये भी एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है जिसमें बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से C1 और C4 के बीच में जुड़ी रहती है, C1 और C4 के बीच। जो पॉलीसेक्राइड्स की मैं बात कर रहा हूं, द चीफ सोर्स ऑफ सेल्यूलोज आर वुड, कंटेन्स 50% सेल्यूलोज, रेस्ट बीइंग लिग्निन, रेजिन एटसेट्रा एंड कॉटन 90% सेल्यूलोज, रेस्ट बीइंग फैट्स एंड वैक्सेस। बहुत सारे मटेरियल सेल्यूलोज से बन सकते हैं, कॉटन है, कॉटन से फिर गन कॉटन भी, इट इज कम्प्लीटली नाइट्रेटेड सेल्यूलोज होता है जो कि रिंकललेस कॉटन बनाने के काम में आता है। सेल्यूलोज एसिड भी रेयन और मोशन मिक्सचर फिल्म बनाने के काम में आता है। ये सेल्यूलोज के कुछ एग्जांपल्स हम बता रहे हैं जो कि वेरियस जगह पे यूज आते हैं, ऑल्दो इतना स्ट्रेसफुली बोर्ड में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है, ठीक है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अगर चीफली बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन लिवर, मसल एंड ब्रेन। द बॉडी नीड्स ग्लूकोज। जब हम खाना नहीं खा रहे, रात को 10-12 घंटे नहीं खाना खा रहे, उस टाइम भी हमें एनर्जी चाहिए, तो एंजाइम्स इस ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में स्टोर है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं ग्लूकोज में, और इस तरह से ये हम खाने में काम करते रहते हैं। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से मिलता हुआ है, बल्कि और ज्यादा ब्रांच है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं, राइट। और ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई में भी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स और एनिमल्स सभी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमारे खाने का भी पार्ट है। हनी भी इसका एक एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। तो बहुत सारी जगह पे इसका यूज है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए हमें इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट सब तरह से फॉर्म में मिलता है इन बायोसिस्टम इन कॉम्बिनेशन विद मेनी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर्मेट में मिलता है।
अगर ये कुछ क्वेश्चंस मैं अब अलग से बात कर रहा हूँ टॉपिक से, थोड़ा सा हटके एक दो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आता है फ्रुक्टोज को मैनोज या डी ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर है बेसिक मीडियम में दे कैन बी कन्वर्टेड। तो इसीलिए एक क्वेश्चन और बनता है हमारे दिमाग में, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करें। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट याद रखना है मॉलिश टेस्ट, एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में नहीं है लेकिन ये प्रैक्टिकल में है इसलिए हमें आना चाहिए। मॉलिश रिएजेंट यूज करते हैं, 2 ml of carbohydrate solution in test tube, फिर 2 drops of mollish reagent. What is mollish reagent? 1% beta naphthol in absolute alcohol. इनको अच्छे से जब अच्छे से shake करते हैं तो हमें reddish violet ring बनती है at the interface of 2 solution. इस तरह का होता है aqueous solution. हम जैसे ही alpha naphthol in alcohol को डालते हैं तो एक इस तरह की ring format होती है purple, और इसी में H2SO4 के कांटेक्ट में आने पर जिस जगह पे ये कांटेक्ट बन रहा है वहां पर एक पर्पल रिंग बन रही होती है, बिल्कुल ब्राउन रिंग जैसी कंडीशन में। नाउ क्वेश्चन इज हाउ कैन फ्रुक्टोज एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर, जबकि वहां तो फ्रुक्टोज में तो कीटोन ग्रुप है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों ने कई बार पूछा भी है हमसे, तो इसका जो बड़ा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप सभी को, फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों है जबकि उसमें कीटोनिक ग्रुप है। तो आंसर इज बिकॉज जितने भी मोनोसेक्राइड जिनमें हैमी एसिटल होते हैं वो सबके सब रिड्यूसिंग शुगर बनते हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम स्पेशली बेसिक मीडियम में वो ओपन अप हो जाते हैं। जैसे देखिए मैनोज ओपन होके डी मैनोज बना रहा है, डी गैलेक्टोज ओपन अप होके गैलेक्टोज बना रहा है, और फ्रक्टोज भी ओपन अप होके कीटोनिक फॉर्म बना रहा है, और एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं लाब्री डी ब्रून वैन एंकेस्टीन ट्रांसफॉर्मेशन, जो एल्डोज कीटोन्स का ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप एसिडिक और बेसिक मीडियम की डिफरेंट कंडीशन में, कंसंट्रेशन की डिफरेंट कंडीशन में और टेम्परेचर की डिफरेंट कंडीशन में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, देखिएगा सबसे पहले एल्डिहाइड दे रखा है, अगर इसमें से एच हटता है तो ओ माइनस आता है, यहां से एच यहां ट्रांसफर होकर इसको किस में कन्वर्ट देता है, कीटोन। ऐसी तरह से कीटोन एच प्लस एक्सेप्ट करेगा और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पीएच की डिफरेंट कंडीशन में एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसी कारण से बेसिक मीडियम होने पर ये फ्रुक्टोज भी हमें रिएक्शन शो कर देता है, कौन सी वाली, फ्रुक्टोज कैन ऑल्सो शो द रिएक्शंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। एक और टर्म एपीमर की बात करी थी मैंने, अगर एक एपीमर को दूसरे एपीमर में कन्वर्ट करना हो तो ये प्रोसेस कहलाता है एपीमराइजेशन, जो अभी मैं बात कर रहा था फ्रुक्टोज से ग्लूकोज या मैनोज में कन्वर्जन का। ओके, कार्बोहाइड्रेट की बातचीत हमने करी आप सभी के साथ, होपफुली आप सबने इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको याद करेंगे, रिवाइंड करेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक था, बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक रहा है, और आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, और कार्बोहाइड्रेट को प्लीज अच्छे से पढ़िए और याद